दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या कोई ऐसे जॉब पोर्टल जहां पे आप जॉब वैकेंसी पोस्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने दो कमेंट जरूर आएंगे। पहला कमेंट होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी, और दूसरा कमेंट होगा कि इतनी कम सैलरी में स्टाफ कहां से मिलेगा। दोस्तों, ये एक कॉमन सवाल है जो हर इम्प्लॉयज किसी भी होटल्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले पूछता है। ये सवाल उसके दिमाग में रहता है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि एक हाउसकीपिंग एसोसिएट की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है और ये सैलरी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय जोशी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी यूट्यूबर आपको फिक्स नहीं बता सकता, ना ही आपको लिख के दे सकता है कि हाउसकीपिंग स्टाफ की एक महीने में सैलरी इतनी होगी या इतनी ही होती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करती है फोर मेजर फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज की, तो ऑन एन एवरेज में एक हाउसकीपिंग स्टाफ एक महीने में 8,000 से लेकर 25,000 एंड अबोव उसकी मंथली इनकम हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये डिपेंड करती है फोर मेजर फैक्टर्स के ऊपर। ये फोर मेजर फैक्टर्स क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ये सवाल दोबारा नहीं आएगा कि सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहला और मेजर फैक्टर जो आपकी सैलरी को डिफाइन करता है, वो है जियोग्राफिकल लोकेशन। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इम्प्लॉई दिल्ली में जॉब कर रहा है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ की दिल्ली में जो सैलरी है वो 14,000 to 15,000 है, लेकिन अगर वही स्टाफ जयपुर में जॉब करने चला गया तो वहाँ पे जो उसकी सैलरी होगी वो होगी 9,000 से लेकर 10,000। अगर वही इम्प्लॉई उत्तराखंड में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे जो उसकी सैलरी होगी 8,000 rupees, लेकिन अगर वही इम्प्लॉई दुबई चला गया वहाँ पे उसको 21,000 से अबोव मिलती है, लेकिन अगर वही इम्प्लॉई क्रूज लाइन में चला गया तो वहाँ पे जो उसकी सैलरी होगी वो 40,000 से लेकर 45,000 एंड अबोव होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस में जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप किस कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप किस सिटी में जॉब। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी सैलरी को डिफाइन करेगा, वो है कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी होटल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, या किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ग्रॉस रेवेन्यू जान लीजिए। क्योंकि जो ग्रुप होटल हैं, जो चैन होटल्स हैं, वो अपने ग्रॉस रेवेन्यू का 5 to 15% अपने स्टाफ की सैलरी पर स्पेंड करता है, और कई होटल्स अपने ऑपरेशन बजट का 45% to 50% अपनी स्टाफ की सैलरी को देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस होटल को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका ग्रॉस रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ज़्यादा परसेंटेज वो अपनी स्टाफ सैलरी पे स्पेंड करते हैं। और कई होटल जो सिंगल स्टैंड अलोन होटल हैं, वहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होती। वहाँ पर उनका अपना ही स्ट्रक्चर होता है, वो किसी को 12,000 भी दे देते हैं, किसी को 10,000 भी दे देते हैं, किसी को 8,000 भी देते हैं। उनमें कोई भी पॉलिसी डिफाइन नहीं की गई है, वहाँ पे कोई भी पॉलिसी लागू नहीं होती। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी सैलरी को डिफाइन करता है, वो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी भी सोशल मीडिया पे या जॉब पोर्टल पे वैकेंसी पोस्ट करता है तो नीचे से लिख लेता है नोट फूड एंड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, और काफ़ी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ये आपकी सैलरी से पहले ही माइनस कर लिया जाता है। ये ग्रीड फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपनी ओर खींचने का। देखिए, जब एम्प्लॉई अपने घर से बाहर निकलता है जॉब के लिए, तो उसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है ब्रेड एंड बटर यानी कि खाना पीना, और दूसरी होती है शेल्टर यानी कि एकोमोडेशन। और ये दोनों चीज़ें अगर कोई भी होटल किसी भी एम्प्लॉयज़ को दे रहा है तो एम्प्लॉय को लगता है कि एटलीस्ट मेरा खाना पीना और रहने का खर्चा तो बच रहा है। और काफ़ी होटल्स हैं दिल्ली में, जैसे आपको अगर 16,000 सैलरी दे रहे हैं तो वो आपको एकोमोडेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर कुछ होटल आपको दिल्ली में 12,000 दे रहे हैं तो वो आपको एकोमोडेशन साथ में देते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आपको ऑफर लेटर मिलता है या सैलरी स्लिप मिलती है, तो वहाँ पर लिखा होता है नेट सैलरी XYZ, ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी से कुछ कम होती है, और इनहैंड सैलरी उससे भी कम होती है। ये क्या है? देखो, क्या होता है, नेट सैलरी का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयर को कितने का पड़ रहा है, यानी कि एम्प्लॉई के ऊपर जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, चाहे फूड एंड एकोमोडेशन का हो, चाहे PF ESI का हो। तो PF ESI क्या होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 12.5% आपका PF कटता है और 1.75% आपका ESI कटता है। तो जो खर्चा एम्प्लॉयर आप पे लगा रहा है वो उसकी नेट सैलरी में ऐड होता है, और ग्रॉस सैलरी में जो आपकी इनहैंड सैलरी है उसमें आपका PF एंड ESI ऐड होगा। और इनहैंड सैलरी यानी कि PF और ESI माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, वो आपकी इनहैंड सैलरी होगी।
तो ये डिपेंड करता है कि आपको होटल्स क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है, उसी के बिहाफ पे वो आपकी सैलरी को डिफाइन करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी सैलरी को डिफाइन करता है वो है योर वर्किंग एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, आपके पास उस पोस्ट का उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है ये डिफाइन करेगा कि आपको एम्प्लॉयर कितनी सैलरी ऑफर करेगा। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी में कुछ परसेंट हाइक होता है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट में और आपकी सैलरी में हाइक। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।